पोर्टल के माध्यम से और जो कंपनियां वहां इंपैनल हैं, हम उनको अवसर देते हैं और उनके माध्यम से आज बेरोजगारी की जो बड़ी समस्या है उसका समाधान उत्तर प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, आपने मंडल कमीशन की बात कही। मंडल कमीशन जब आया तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अति पिछड़ों के साथ और उनके हक अधिकार पर सबसे ज्यादा डाका डालने का अगर किसी ने काम किया तो यह सवाल करने वाले लोगों ने काम किया। ये चार बार सरकार में रहे हैं मानवर, ये चार बार सरकार में रहे हैं, चार बार ये सरकार में रहे हैं। अरे सुनिए सुनिए, और इन्होंने जो नौकरी की बार बार चर्चा कर रहे हैं, उन नौकरियों का, उन नौकरियों को उठाकर देख ले मानवर, उसमें कहां राजभर है, कहां बिंद है, कहां बिहार है, कहां प्रजापति है, कहां कुम्हार है, कहां विश्वकर्मा है। आपने आरक्षण की बात कही, आपने आरक्षण की बात कही, आप मंडल कमीशन की बात सुनिए ना, अस्थाई जो नौकरी दे रहे हैं वो बात हम आ रहे हैं आपके बीच में, लेकिन सबसे ज्यादा चार बार ये सरकार चलाए उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा इन लोगों ने किसी को ठगने का काम किया तो मोस्ट बैकवर्ड को ठगने का काम किया, अति पिछड़ों को ठगने का काम किया, राजभरों को ठगने का काम किया, बिंद बिहार नंदिया चौहान केवट बल्ला पाल गणेरिया और प्रजापति कुंभार को इन लोगों ने ठगने का काम किया। उठाकर देखने आप करेंगे, ये चार बार जिनकी नौकरियां बताती हैं, सिर्फ जाति के लोगों को कितना करनी चाहिए। मैंने पूरा 7 मिनट माननीय संग्राम जी ने प्रश्न पूछा और उन्होंने यही कहा कि फलानी जाति, तो उत्तर आ जाने दीजिए ना, सुनिए, या उन्होंने जाति ना बोली हो तो फिर वो जाति ना बोले, उन्होंने जाति बोली है तो फिर उत्तर आने दीजिए ना। उन्होंने ऐसा कहा कि इस जाति को जाति बता रहे हैं, आपने बोला कि फलाने जाति, जब आपने शुरुआत वहां से करी है तो उत्तर भी सुनिए ना, अगर उसके बाहर उत्तर दे रहे हो तो मैं मंत्री जी को रोक दूंगा। बैठिए ना, आपका प्रश्न नहीं है, समझिए, बैठो। माननीय मंत्री जी बोलिए। पिछड़ों की चिंता हो रही है, अब आप आज इन लोगों को बेरोजगारों की चिंता हो रही है, बस उसके बाद आज इन लोगों को, मैं अभी कल हमारे खेल मंत्री जी जवाब दे रहे थे, हम कैसे साबित करें, कैसे प्रमाणित करें कि हमारी सरकार सार्थक प्रयास कर रही है, असरदार हम प्रयास कर रहे हैं, हम एक आंकड़ा रखना चाहते हैं माननीय बताइए, हम ये बिना हम कुछ आंकड़े रखने चाहते हैं। 2012 में उत्तर पर ये रोजगार मेला के सवाल के विषय पर ये सवाल खड़ा करते हैं। 2012 में 2034 मेला इन लोगों ने लगाया मान्यवर, और 8201 लोगों को रोजगार मेलों के माध्यम से इन लोगों ने रोजगार दिया। 2013 में 594 मेला इन लोगों ने लगाया, 2014 में 660 मेला इन लोगों ने लगाया, 2015 में 667 मेला इन लोगों ने लगाया, 2016 में 630 मेला इन लोगों ने लगाया, और 1,69,075 लोगों को नौकरी रोजगार मेलों के माध्यम से इन लोगों ने दी। लेकिन योगी जी की जब सरकार आई मानवर, आज इन लोगों के जो पेट में दर्द हो रहा है, इस बात के लिए दर्द हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान आज चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और इस बात के लिए खड़ा है। मैं प्रमाणित करना चाहता हूं मानवर, मुझे अवसर मिलना चाहिए। 2017 से 2018 635 मेला हम लोगों ने लगाया और 63,152 बेरोजगारों को हम लोगों ने रोजगार दिया। 2018 से 2019 685 मेला हम लोगों ने लगाया और 10 लाख
32,200 लोगों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में सेवा दी। मैं उस पर भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए। 2020 से 2023 869 रोजगार मेला हम लोगों ने लगाया और 1,47,499 लोगों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। मानवल पिछले कार्यकाल में योगी जी की सरकार ने 3,742 रोजगार मेला अपने नौजवानों की समस्या को दूर करने के लिए लगाने का काम किया था। इनमें 5 साल में इन्होंने 2785 मेला लगाए मानवल, हमने 3742 मेला लगाए मानवल। इन लोगों ने 1,69,075 बेरोजगार लोगों को निजी क्षेत्र में सेवायोजित किया मानवल, और हमारी सरकार ने 5,74,567 लोगों को रोजगार देने का काम किया मानवल। और दूसरे कार्यकाल में मानवल